नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व बताया गया है। बता दें कि साल में 24 एकादशी आती है और जब अधिक मास होता है 26 एकादशी हो जाती है और उन्हीं में एक एकादशी है पद्मिनी एकादशी, जो कि इस बार 27 सितंबर को पड़ रही है। आपको बता दें कि अधिक मास हर 3 साल बाद आता है, इसीलिए इस माह की एकादशी बहुत खास है। तो चलिए अब इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत अधिक मास या मल मास के समय में आता है। ऐसे में अधिक आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। पद्मिनी एकादशी को अधिक मास एकादशी भी कहा जाता है। इस साल पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 सितंबर दिन रविवार को है। सभी एकादशी की तरह पद्मिनी एकादशी में भी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से पद्मिनी एकादशी के महत्व के बारे में बताया था। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि पद्मिनी एकादशी व्रत और पूजा का मुहूर्त, साथ ही वीडियो के अंत में इस एकादशी का महत्व भी बताएंगे। चलिए अब आपको बताते हैं पद्मिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। अधिक आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 26 सितंबर दिन शनिवार को सुबह 6:29 पर हो रहा है, जो 27 सितंबर दिन रविवार को सुबह 7:16 तक है। ऐसे में आपको पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 सितंबर को रखना उचित है। बता दें कि पद्मिनी एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद पारण करके व्रत को पूरा करना चाहिए। पद्मिनी एकादशी व्रत के पारण का समय 28 सितंबर दिन सोमवार को सुबह 6:19 से सुबह 8:28 के बीच है। आपको इसके मध्य पारण कर लेना चाहिए। द्वादशी तिथि के समापन का समय 8:28 है। एकादशी का पारण द्वादशी तिथि के खत्म होने से पूर्व कर लेना चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि पद्मिनी एकादशी का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से पद्मिनी एकादशी के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि मलमास के समय में लोगों को अनेक पुण्यों को प्रदान करने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति कीर्ति प्राप्त करता है और मृत्यु के बाद वैकुंठ हो जाता है। वैकुंठ तो मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है, तो अगर आप भी भगवान विष्णु के इस एकादशी व्रत को रखते हैं तो अवश्य ही उनकी कृपा बनी रहेगी। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।